Hello and assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Asha Khan and you guys are watching our YouTube channel University's Page Visa Consultant. आज की हमारी वीडियो स्टडी इन इटली की सीरीज का पार्ट है और आज हम बात करेंगे स्टडी इन इटली फॉर बैचलर स्टूडेंट्स. इसके अलावा हमने स्टडी इन इटली के ऊपर ओवरव्यू एक वीडियो बनाई हुई है और मजीद ये कि हमने स्कॉलरशिप्स के बारे में भी एक वीडियो सेपरेट बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं. आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपको बैचलर्स में यहाँ पे एडमिशन किस तरह मिलता है, एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस होता है, इसकी टाइमलाइन क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होती है, डेडलाइंस क्या होती हैं. मजीद ये कि हम आपको प्रोसेस के बारे में भी बताएंगे, क्राइटेरिया के बारे में भी बताएंगे और आपको डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी कंप्लीट गाइड करेंगे. आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना कर सकें. इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें. व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इटली में स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है. हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम इटली में ही क्यों अप्लाई करें, मजीद काफ़ी ऐसी कंट्रीज है जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं. तो इटली में अप्लाई करने के बहुत सारे फायदे हैं जिनमें इंक्लूड करता है वहाँ की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज, हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. यहाँ पे दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं और यहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जाए तो काफ़ी हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं. 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं. मजीद ये कि यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ QS वर्ल्ड रैंकिंग में आती हैं और बहुत हाईली रैंक्ड हैं. इसके साथ साथ यहाँ पर एजुकेशन बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, ट्यूशन फीस भी आपकी वेव ऑफ हो जाती है, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं. ये सब पॉइंट्स भी इटली को काफ़ी हद तक प्रेफरेबल बनाती हैं. बैचलर्स अप्लाई करने वालों के लिए ये बेनिफिट है कि यहाँ पर बैचलर्स 3 साल का है. इस तरह जो डिग्री आपकी पाकिस्तान में 4 साल में कंप्लीट होगी वो वहाँ पर आपकी 3 साल में कंप्लीट हो जाएगी. एक और मेजर पॉइंट ये है कि यहाँ पर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स आपको मिल जाते हैं. यहाँ का क्राइटेरिया भी बहुत ज़्यादा मिनिमम है, तकरीबन 1000+ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं. पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ईजिली अप्लाई कर सकते हैं और इन सब इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम्स में आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे जिनमें आपकी मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज होंगे, एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्सेज होंगे, इसके साथ आर्ट एंड डिज़ाइन के बहुत ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन सब फील्ड्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं. इटली में स्टडी के लिए एक ऑफिशियल पोर्टल दिया गया जहाँ पर तमाम यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, कोर्सेज मौजूद हैं, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इटली और उस पर जाकर आप इजीली कोर्स फाइंड कर सकते हैं, अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं, अपने रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर आपको तमाम कोर्सेज इजीली मिल जाते हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पर भी जा सकते हैं. एप्लीकेशन के प्रोसेस को देखते हैं कि यहाँ पर बैचलर्स अप्लाई करने के लिए क्या एप्लीकेशन प्रोसेसेस होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं. सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, वहाँ पर आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी होती है, इसके साथ साथ एजुकेशनल डिटेल्स ऐड करनी होती हैं. सेकंड स्टेप के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. थर्ड स्टेप में आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, अपना कोर्स सेलेक्ट करते हैं और उसकी एडमिशन फीस पे करते हैं और उसके बाद आप वेट करते हैं. इटली में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन फीसेज नहीं होती, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ की हो भी सकती हैं जिसमें एडमिशन की फीसेज रेंज कर सकती हैं 50 यूरोस से 100 यूरोस तक. ये डिपेंड करेगा आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप में आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है जिसमें आपको 1 वीक से 45-50 डेज तक वेट करना पड़ सकता है. ये डिपेंड करेगा किस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया. कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन लेटर बहुत जल्दी आ जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह ही थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है. एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, उसको कहते हैं प्री एनरोलमेंट. आप प्री एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करेंगे और आप ये एप्लीकेशन आपकी यूनिवर्सिटी इटली पर ही आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप प्री एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर देंगे. उसके बाद आपको एक और एक्सेप्टेंस लेटर दिया जाएगा जिसको आप फाइनल समरी भी कह सकते हैं, जिसके बेस पर आपने वीज़ा अप्लाई करना. इटली में डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनका एप्लीकेशन प्रोसेस भी डिफरेंट टाइम पर स्टार्ट हो जाता है. आप अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को जाके सर्च कर सकते हैं कि कब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट है, जिस कोर्स में आपने अप्लाई करना है. मोस्टली यहाँ पर दिसंबर में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और आपका ये मई तक चलता है. उसके बाद बहुत कम कोर्सेज रह जाते हैं, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ रह जाती हैं जिनके एडमिशन ओपन होते हैं. स्टूडेंट ट्यूशन फीस की बात की जाए तो 1000 यूरोस से 3000 यूरोस पर ईयर तक ट्यूशन फीस रेंज कर रही होती है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स. बट अगर आप स्कॉलरशिप में जब अप्लाई करते हैं तो आपकी ये फीस वेव ऑफ हो जाती है. कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एप्लीकेशन फीस के साथ साथ आपकी एनरोलमेंट फ़ी भी होती है जो कि 10 यूरोस से 100 यूरोस तक रेंज कर सकती है. बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन फीसेज भी इतनी ज़्यादा नहीं होती और एनरोलमेंट फ़ी भी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती. सर देखते हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है. रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल सी है, आपको मिनिमम 55% से 60% मार्क्स पर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है. इसके साथ साथ आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होते हैं. इटली में आपको IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको अपना प्रीवियस स्टडी जो है वो इंग्लिश में शो करानी होती है, यानी कि आपने इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट शो कराना होता है कि आपकी जो प्रीवियस स्टडी है वो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में ही की है. ये सर्टिफिकेट आपको आपकी प्रीवियस इंस्टीट्यूट से मिल जाता है. अगर बात करें स्टडी गैप की तो ये 2 से 3 साल तक का एक्सेप्टेबल है. इटली में डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं, मेरिट बेस्ड भी स्कॉलरशिप्स होती हैं और आपकी रीजनल स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल होती हैं जो कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं. स्कॉलरशिप के बारे में हमने कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो कि आप हमारे चैनल से फाइंड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं किस तरह उसका प्रोसेस है. बट मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं. बेनिफिट्स में आपकी फ़ीस वेव ऑफ हो जाती है, मजीद ये कि आपको अकोमोडेशन भी मिल सकती है, आपको मील्स भी मिल सकते हैं, इसके अंदर डिस्काउंटेड मील्स होते हैं.
मजीद ये कि आपको स्टाइपेंड दिया जाता है जो कि पर ईयर 7600 यूरोस तक रेंज कर सकता है। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन इटली के हवाले से और स्पेसिफिकली बैचलर्स में अप्लाई करना है तो उसके हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ब्राउज कर सकते हैं। इटली की सीरीज हमने कंटिन्यू की हुई है क्योंकि एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जो स्टूडेंट्स हमारे थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उनकी एप्लीकेशन भी हमने स्टार्ट कर दी हुई है। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और अगर आप हमारे ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। स्टडी इन इटली के हवाले से सीरीज देखने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। शुक्रिया।